हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों का आज के एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं जीटी सैन एंड्रियास के लिए लोडिंग स्क्रीन का पैक। ठीक है, इस पैक के जरिए आप अपने जीटी सैन एंड्रियास की लोडिंग स्क्रीन के मेन्यू को चेंज कर पाओगे। जैसा कि आप देखते हो कि आपको जो है नॉर्मल मेन्यू देखने को मिलता है, जब भी आप अपना जीटी सैन एंड्रियास ओपन करते हो तो आपको जो स्क्रीन आती है लोडिंग स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी होती है एंड बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है देखने में। सो ये जो मैं आपको इस वीडियो में जो लोडिंग स्क्रीन का पैक प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, इस पैक के अंदर आपको कुछ ऐसे रियलिस्टिक कैरेक्टर्स जो कि अपने लाइक सीजे हुआ एंड इसके अलावा कुछ और भी गेम के जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक दिखने वाले हैं। तो जैसा कि अभी आपने स्क्रीनशॉट में देखा, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक एंड ऐसा लगता है कि एक GTA San Andreas का 2.0 रिमास्टर्ड वर्जन के अंदर जैसे कि कैरेक्टर्स होते हैं ना, उसी कैरेक्टर की तरह ये जो लोडिंग पैक है वो लगता है। ठीक है, एंड बेसिकली काफ़ी अच्छा मोड है क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया था एंड सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। सोचा कि इतना अच्छा लाइक पूरा का पूरा जो लोडिंग स्क्रीन है वो पूरी चेंज कर देता है। लोडिंग स्क्रीन के साथ में आपका जो फ्रंट मेन्यू होता है वो चेंज हो जाता है, साथ में आप अगर अपना सेटिंग में जाते हो, ऑडियो की सेटिंग में जाते हो, रेजोल्यूशन की सेटिंग में जाते हो, तो वहाँ पे भी आपको चेंजेस देखने मिलते हैं और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सोचा कि आज की वीडियो में आपको ये छोटा सा एक मोड पैक दे देना चाहिए। छोटा सा मोड पैक होगा यानी कि इसका साइज लगभग बहुत कम होगा, लगभग मुझे याद है कि लगभग 30 MB से कम ही है। ठीक है, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे बट 30 MB से कम है और बहुत अच्छा मोड है। एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार इसको टेस्ट करिए, जो भी हमारे GTA San Andreas के यूज़र्स हैं एंड्रॉयड के, तो एंड्रॉयड के लिए मोड वर्किंग है एंड इससे आप जो है अपना पूरा जो स्क्रीन का जो मेन्यू है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेसिकली यही बताने वाला हूँ। और एक बात की यार, मुझे सजेशन चाहिए था आप लोगों से कि मुझे आगे इसी तरह की वीडियोज़ जो है कंटिन्यू रखनी चाहिए या फिर मुझे अपना कंटेंट चेंज करना चाहिए या फिर मोड्स की वीडियो ही अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए अलग अलग गेम्स के ऊपर, जैसे GTA VC हुआ, GTA San Andreas एंड अदर एंड्रॉयड रॉकस्टार गेम्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक बार मुझे सजेशन जरूर देना कमेंट के अंदर, क्योंकि मैं सभी लोगों के सजेशन जो है मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सभी लोगों के सजेशन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मे भी हो सकता है कि अगर आप सब लोग बोलते हो तो मे भी मैं अपना कंटेंट थोड़ा बहुत चेंज कर सकता हूँ या फिर यही कंटिन्यू कर सकता हूँ और अच्छे वे में। तो मुझे छोटा सा सजेशन ज़रूर देना कमेंट के अंदर। ठीक है, बाय द वे आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट करें और मैं शुरू करता हूँ। सो लेट्स गो टू द इंस्टॉलेशन। सो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना लोडिंग स्क्रीन फॉर GTA San Andreas बाय सेफ्रॉन। ठीक है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड डाउनलोड नाउ। एक्सट्रैक्ट हेयर, एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद में आपको फोल्डर मिल जाएगा। सिंपली इस फोल्डर को यहाँ पे कॉपी या कट जो करना है कर लूँ। सिंपली आपको ये दिख रहा होगा फोल्डर, इसके अंदर आप जाके देखोगे तो आपको कुछ स्क्रिप्ट फाइल भी मैंने दी है। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस पैक आना है और इस फोल्डर को जो है पूरा फोल्डर को हैज इट इज कॉपी या कट जो करना है कर लो। मैं कट करता हूँ, कट कर लो एंड बाद में पैक आओ और एंड्रॉयड में डाटा में बस जाके पेस्ट कर दो बस। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगर आपने मोड भी इंस्टॉल कर रखा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर आप गेम ओपन करोगे तो हैज यू कैन सी गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका मेन्यू, आपकी लोडिंग इसकी चेंज हो चुकी है पूरी। ठीक है, पूरी रिमास्टर्ड बदल चुकी है और बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा है देखने में। इतनी अच्छी स्क्रीन लग रही है ना, बहुत अच्छी लग रही है। एंड आगे भी ऐसे ही जो स्क्रीन के लोडिंग स्क्रीन मोड पैक से वो मैं लाने वाला हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो भी नया बंदा हो। एज यू कैन सी यहाँ पे मैं ग्राफिक सेटिंग में आया हूँ, डिस्प्ले में भी बहुत चेंजेस है, देखो ऑडियो में भी बहुत चेंजेस है एंड ये देखो लैंग्वेजेस में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस है। ये देखो, देख रहे हो ना, गेम के अंदर भी बहुत इंप्रूवमेंट है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि पूरा जो पूरे जो आइकन्स होते हैं ना फ्रंट के आइकन्स, उनका कलर भी चेंज हुआ है। ठीक है, एंड ऊपर तो एज यू कैन सी आप देख ही सकते हो। और बेसिकली इतना अच्छा लग रहा है ना ये, क्योंकि अपने गेम को एक अलग ही लुक देता है। एंड मैं मानता हूँ कि आप लोगों को ये मोड ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हालांकि जो मैं मोड्स देता हूँ उन कुछ मोड्स में ये जो मेन्यू होता है वो ऑलरेडी अप्लाइड होता है, ऑलरेडी मैं डाल के रखता हूँ। बट अगर आपको अलग से डालना है, ठीक है, अलग से आपको डालना है, अगर मैं कोई मोड देता हूँ उस मोड के अंदर अगर ये लोडिंग स्क्रीन वाला पैक नहीं आता है, तो आप अलग से इस वीडियो के द्वारा डाउनलोड कर सकते हो और इजीली जो है अपने गेम को पूरा रियलिस्टिक बना सकते हो। ठीक है, आगे भी ऐसे ही GTA 5 के भी मैं मेन्यू लोडिंग स्क्रीन लाने वाला हूँ। सो चैनल के साथ स्टे कनेक्टेड रहिएगा क्योंकि आगे ही ऐसे बहुत सारे मेन्यूज आने वाले हैं। सो कनेक्टेड ज़रूर रहना। तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। हाँ, उससे पहले अगर आप नए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं
नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियोस देखते हो रोज़ तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन पे कर देना, ताकि जब भी नई वीडियो आएगी, जैसे ही नई वीडियो आती है कोई मोड पे की, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। और एक बार इंस्टा पे भी फॉलो कर देना, क्योंकि वहाँ पे भी मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आप मुझे लाइक मैसेज सेंड करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टा के डाउनलोड लिंक एंड मोड पे का लाइक सब कुछ, डिस्कॉर्ड के एंड सब कुछ नीचे, ठीक है। डिस्कॉर्ड जरूर भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। एंड गाइज इतना ही आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय। But I don't know why.